40वां अध्याय नृसिंहावतार हिरण्यकश्यप की वरदान प्राप्ति और उससे सताए हुए देवों द्वारा भगवान की स्तुति। मार्कंडेय जी बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन किया, अब नरसिंह अवतार का वर्णन करूंगा। सुनो, पूर्व काल में दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप महान प्रतापी हुआ। उसने अनेक सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहते हुए तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उस दानव से कहा, दतेंद्र, तुम्हारे मन को जो प्रिय लगे वही वर मांग लो। दैत्य हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उन देवेश्वर से विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा। हिरण्यकश्यप बोला, ब्रह्मन, भगवन, यदि आप मुझे वर देने उद्यत हैं तो मैं जो जो मांगता हूं वह सब देने की कृपा करें। मैं न सुखी वस्तु से मरूं, न गीली से, न जल से, न आग से, न काठ से, न कीड़े से, और न पत्थर या हवा से ही मेरी मृत्यु हो, न शूल अथवा किसी और शस्त्र से, न पर्वत से, न मनुष्यों से, न देवता असुर गंधर्व अथवा राक्षसों से ही मरूं, न किन्नरों से, न यक्ष विद्याधर अथवा भुजंगों से, न वानर तथा अन्य पशुओं से, और न दुर्गा आदि मातृगणों से ही मेरी मृत्यु हो। मैं न घर के भीतर मरूं, न बाहर, न दिन में मरूं, न रात में, तथा आपकी कृपा से मृत्यु के हेतु अन्य कारणों से भी मेरी मृत्यु न हो। देव देवेश्वर, मैं आपसे यही वर मांगता हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के यों कहने पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, दतेंद्र, तुम्हारे महान तप से संतुष्ट होकर मैं इन परम अद्भुत वरों को दुर्लभ होने पर भी तुम्हें दे रहा हूं। दूसरे किसी को मैंने ऐसा वर नहीं दिया है और न दूसरों ने ऐसी तपस्या की है। दैत्यपते, तुम्हारे मांगे हुए सभी वर मैंने तुम्हें दे दिए, वे सब तुम्हें प्राप्त हो। महाबाहु, अब जाओ और अपने तप के बढ़े हुए उत्कृष्ट फल को भोगो। इस प्रकार पूर्व काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अभीष्ट वर देकर ब्रह्मा जी अपने परम उत्तम लोक को चले गए। उस बलवान दैत्य ने भी वर पाकर बल से उन्मत्त हो श्रेष्ठ देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया, तथा वह स्वयं स्वर्ग लोक में रहकर वहां का सर्वशक्ति संपन्न राज भोगने लगा। नरेश्वर, इंद्रादि देवता, रुद्र तथा ऋषिगण भी उसके भय से मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरते थे। राजेंद्र, त्रिभुवन का राज प्राप्त कर लेने पर हिरण्यकश्यप ने समस्त प्रजाओं को बुलाकर उनसे ये वाक्य कहा, प्रजागण, तुम लोग देवताओं के लिए यज्ञ, होम और दान करो। अब मैं ही त्रिभुवन का अधीश्वर हूं, अतः यज्ञ और दानादि कर्मों द्वारा मेरी ही पूजा करो। राजन, यह सुनकर वे सभी प्रजाएं उसके भय से वैसा ही करने लगी। नृपश्रेष्ठ, वहां ऐसा व्यवहार चालू होने पर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन अधर्म प्राय हो गया। सर्वधर्म का लोप हो जाने से सबकी बुद्धि पाप में प्रवृत्त हो गई। इस तरह बहुत समय बीतने पर इंद्र सहित सब देवताओं ने मिलकर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा नीतिवेत्ता ब्रह्मस्पति से विनय पूर्वक पूछा, मुनि श्रेष्ठ, त्रिलोकी का राज छीनने वाले इस हिरण्यकश्यप के विनाश का समय और उसका उपाय हमें शीघ्र बताइए। बृहस्पति जी बोले, देवताओं, तुम लोग अपने स्थान की प्राप्ति के लिए मेरे ये वाक्य सुनो। इस महान असुर हिरण्यकश्यप के पुण्य का अंश प्राय क्षीण हो चुका है। यह शोक बुद्धि को नष्ट और शास्त्र ज्ञान को चौपट कर देता है, विचार शक्ति को भी क्षीण कर डालता है। अतः शोक के समान कोई शत्रु नहीं। नरेश्वर, अपने शरीर पर अग्नि का स्पर्श और दारुण शस्त्र प्रहार भी सहा जा सकता है, परंतु शोक जन्य दुख का सहन नहीं किया जा सकता। देवताओं, इस शोक से और काल रूप निमित्त से हम हिरण्यकश्यप का नाश निकट देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी विद्वान सर्वत्र परस्पर यही कहा करते हैं कि दुष्ट हिरण्यकश्यप अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। मेरे शकुन भी यही बताते हैं कि देवताओं को अपने पद स्वर्ग साम्राज्य की प्राप्ति रूप महती समृद्ध मिलने वाली है और हिरण्यकश्यप का नाश होना चाहता है। क्योंकि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तुम सभी देवता
क्षीर सागर के उत्तर तट पर जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं शीघ्र ही जाओ। तुम लोगों के भली भांति स्तवन करने पर वे भगवान क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होने पर वे ही उस दैत्य के वध का उपाय बताएंगे। श्री बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर सभी देवता कहने लगे, भगवान आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। और वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां जाने का उद्योग करने लगे। नृपवर, वे देवगण किसी पुण्यतिथि को शुभ लग्न में मुनिवरों द्वारा पुण्यावाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ कराकर दुष्ट दैत के विनाश और अपनी ऐश्वर्य बुद्धि के लिए महादेव जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तर तट की ओर प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर सभी देवता विजयशील जनार्दन भगवान विष्णु का नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तवन पूजन करते हुए वहां खड़े रहे। भगवान षडंकर भी भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से भगवान जनार्दन के पवित्र नामों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। श्री महादेव जी बोले, विष्णु, जिष्णु, विभु, देव, यज्ञेश, यज्ञपालक, प्रभ विष्णु, ग्रशिष्णु, लोकात्मा, लोकपालक, केशव, केशिहा, कल्प, सर्व कारण कारण, कर्मकृत, वामनाधीश, वासुदेव, पुरुषतुत आदिकर्ता, वराह, माधव, मधुसूदन, नारायण, नर, हंस, विष्णुसेन, हुताशन, ज्योतिषमान, धृतिमान, श्रीमान, आयुष्यमान, पुरुषोत्तम, वैकुंठ, पंडरीकाक्ष, कृष्ण, सूर्य, सुराचित्र, नरसिंह, महाभीम, वज्रदंष्ट, नखायुद्ध, आदिदेव, जगत्कर्ता, योगेश, गरुड़ध्वज, योगिंद्र, गोपति, गोप्ता, भूपति, भुवनेश्वर, पद्मनाभ, ऋषिकेश, विभु, दामोदर, हरि, त्रिविक्रम, त्रिलोकेश, ब्रह्मेश, प्रतिवर्धन, वामन, दुष्टदमन, गोविंद, गोपवल्लभ, भक्तिप्रिय, अच्युत, सत्य, सत्यकीर्ति, ध्रुव, शुचि, करुणीय, करुण, व्यास, पापहा, शांतिवर्धन, सन्यासी, शास्त्र ततक विज्ञ, मंदारगिरी केतन, बद्री निलय, शांत तपस्वी, वैद्युत प्रभ, भूतावास, गुहावास, श्रीनिवास, श्रीहपति, तपोवास, दम वास, सत्यवास, सनातन पुरुष, पुष्पकल, पुणे, पुष्कराक्ष, महेश्वर, पुण, पूर्ति, पुराज्ञ, पुणज्ञ, पुण्यवर्धन, शिखंडी, चक्र, गदी, शांगड़ी, लांगड़ी, मुसली, हली, किरीटी, कुंडली, हारी, मेखली, कवची, ध्वजी, जिष्णु, जेता, महावीर, शत्रुघ्न, शत्रुतापन, शांत, शांतिकर, शास्ता, शंकर, शंत नुस्ततुत, सारथी, सात्विक, स्वामी, साम वेद प्रिय, सम सामन, साहसी, सत्व, संपूर्णाश, समृद्धिमान, सर्वगत, कामद, श्रिद, कीर्ति, कीर्तिनाशन, मोक्षद, पुंडरीकाक्ष, शिराबिद कृत केतन, सुरा सुरह स्तुत, प्रेरक और पाप नाशन आदि नामों से कहे जाने वाले परमेश्वर, आप ही यज्ञ, वष्टकार, ओमकार तथा अहवनी आदि अग्रि रूप हैं। पुरुषोत्तम देव आप ही स्वाहा, स्वधा और सुधा हैं। आप सनातन देव देव भगवान विष्णु को नमस्कार है। गरुणध्वज आप प्रमाणों के अविषय तथा अनंत हैं। मार्कंडेय जी बोले, इन दिव्य नामों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर संपूर्ण देवताओं से यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, देवगण तुम लोगों ने केवल कल्याणकारी नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, हे देवदेव, हे ऋषिकेश, हे कमलनयन, हे लक्ष्मीपते, हे हरे, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं। श्री भगवान बोले, असुर नाशक देवताओं, तुम लोगों के आने का सारा कारण मुझे ज्ञात है। जगत का कल्याण करने वाले महादेव जी ने तथा तुमने हिरण्यकश्यपी दैत्य का नाश कराने के लिए मेरे 100 पुण्य नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है। महामते शिव, तुम्हारे कहे हुए इन 100 नामों से जो मेरा नित्य स्तवन करेगा, उस पुरुष द्वारा मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पूजित होऊंगा जैसे इस समय तुम्हारे द्वारा हुआ हूं। देव शंभो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं,
अब तुम अपने शुभ कैलाश शिखर को जाओ, तुमने मेरी स्तुति की है, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। देवताओं, अब तुम भी जाओ और कुछ काल तक प्रतीक्षा करो। जब इस हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक बुद्धिमान विष्णु भक्त पुत्र होगा और जिस समय यह दैत्य प्रहलाद से द्रोह करेगा, उस समय वरों से रक्षित होकर देवताओं और दानों से भी नहीं जीते जा सकने वाले इस असुर का मैं अवश्य वध कर डालूंगा। राजन, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके चले गए।